लो भाई 50 kg कैटेगरी की बॉक्सर जो है माड़ा पर आके 52 kg के कैटेगरी में ला दी है, 2 किलो माड़ा पर आ दी है। फिर किस खुशी में गोल्ड मेडल जो है हरियाणा की एक और बेटी लेके आई है, ज्योति जो है मेरे साथ में मौजूद है। सबसे पहले ज्योति कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई। 50 से 52 की कैटेगरी में 1 मिनट में पहुंच गए। अच्छा ये बताओ सफर किसा रहा, मतलब गोल्ड मेडल लेने तक का कितनी खुशी और सफर किसा रहा? पहले तो बहुत एक्साइटेड थे भाई, हम खेलने के साथ साथ हमारे टूर्नामेंट जो नेपाल में आयोजित की गई उसमें घूमने का एक्सपीरियंस भी, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो नेचुरल ब्यूटी है पहाड़ों के बीच में। सफ़र रहा हमारा बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। अच्छा। और तब तक हमारी बाउट नहीं हुई, तब तक मन के अंदर ये डर था क्या रहेगा और क्या नहीं। लेकिन जब हमारा फाइनल हुआ बांग्लादेश के साथ, ढाका के साथ, तो एक तरफा मैच हमारा रहा। गोल्ड मेडलिस्ट भी कितने कितने भीतर तो धक धक तो उसका भी होगा नहीं। हाँ खनाले हमने तो इन्हों लग गया कर अरे इतना कॉन्फिडेंस है, तो एक चुटकी बजाते ही इन्हें तो मतलब घर से सोच के आए कि जीतना है, लेकिन एक्चुअली में डर तो उन खिलाड़ियों का भी वो है। चलो वो तो बात हुई रिंग के अंदर की, भाई रिंग के अंदर जो है घबराहट थी, रिंग से बाहर और उस रिंग तक पहुंचने का सफर की अगर बात करूं, क्योंकि हरियाणा में देखो जनरली ये तो जो है वैसे तो देखो बेटियां ने गोल्ड की जो है झड़ी लगा रखी है, लेकिन फिर भी कितने कितने पहले थोड़ा सा मतलब टाइम होया करता कि भाई लड़कियां ने खेलने तक रोका जाया करता, या थोड़ा सा माहौल का फर्क जो है हरियाणा में खासतौर पर देखा जाए तो वो सफर किसा रहा है? वो सफ़र भी मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि फिर मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। मैं 3rd क्लास में थी तब से लेकर मेरा सपोर्ट कर रही है मेरी फैमिली। पहले हमारे जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने स्पेट के गेम आयोजित किए थे, उनमें 3-4 बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने 10th+2 के लिए मैंने छोड़ दिया था। मेरे मन में ये हुआ था भाई क्या पता क्या होगा क्या नहीं, एक बार 10th+2 ही कर लेते हैं। तो मेरे मन से खेलों के प्रति जो भावना थी वो बिल्कुल ही एक तरफ हट गई थी, कम हो गई थी। हाँ, फिर मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कॉलेज में एडमिशन लिया 1st ईयर में। हमारे कॉलेज ने हायर कर रखे हैं त्रिलोक कुमार जी, जो नियाणा गांव से हमारे कोच हैं। तो उन्होंने फिर, मैं बैठी थी एक दिन, वो बोले बेटा तू तो स्पोर्ट्स से लग रही है मेरे को, तेरा रहन सहन तेरा ढंग ही बता रहा है, तेरी बॉडी लैंग्वेज बता रही। माँ हाँ जी सर स्पोर्ट्स से हूँ। फिर बोला आपने छोड़ क्यों दिया? माँ सर ऐसे ऐसे 10th+2 की वो पढ़ाई की टेंशन में वो छोड़ दिया। फिर 1st ईयर में मैंने अपना पहला कदम बॉक्सिंग में रखा था। 1st ईयर में मैंने खेला, पहले हमारी राज्य स्तरीय भी हुई थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं थी जिसमें मैं नाकामयाब भी हुई। मैंने मतलब बहुत सारी ऐसी थी, लेकिन फिर मेरे गुड़गांव में नेशनल थे उसमें भी मेरा गोल्ड आया। जो कह रहे हैं भाई कामयाबी से ज्यादा नाकामयाबी से सीखने मिले है, तो यह बात सच है या झूठ है? नहीं बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और एक बात और एक बात जो है हमारे हरियाणा में और कही जाया करे कि भाई पढ़ो लिखो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, यह बात कही जाया कर दी, शायद बदलन का टाइम आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ओवरऑल अगर बात करा मतलब कि भाई रिंग की चलो बता देगी यार कि भी बता दे भाई फैमिली ने सपोर्ट करा, कोई गेम कोई ऐसा कोई मूवमेंट हमारे साथ जो आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल भाई, एक बार उल्टे जो है 52 से उल्टे 50 में लिया हो, एक बार हमारे पहले जो बॉक्सर ने एक रख लियो बस ठीक है। चलो जी, अच्छा अब ओवरऑल कोई ऐसा मैच इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें जिसमें सबसे ज्यादा घबराहट हो या यूं हो कि भाई अब तो मुश्किल होगी, तो कोई मतलब ऐसा कोई मूवमेंट कोई कुछ? ऐसा तो रहा ही नहीं, रिंग में बढ़ते तो ऐसे हो जाता अगली एक मारेगी तो 2 मार के आ। यो मेरे ख्याल हरियाणा के खून में है शायद, नहीं? अच्छा फैमिली में कौन है आपके? फादर साहब आप हैं सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई की गुड़िया जो है आज मतलब गर्व तो सीना चौड़ा कर दिया। हाँ जी आपको भी बधाई और सीना बहुत चौड़ा है जी हमारा। अच्छा यह बताओ जो या एक बात कहने लग रही है वाह एक मारी मैं 2 मारूंगी, यह बात रिंग रिंग में है घरा भी नहीं हुई स्वभाव है जी? घरा भी है जी, घर पर भी ऐसे बोला इसको हमने। हाँ मैं बेटा खुल के खेल बिल्कुल, धक्कड़पन जो है रिंग तो मार लेके जाना पड़ा है, डरना नहीं जी बिल्कुल ही, इसको बोल रखे हमने डर के तो मर गए, डरना भी नहीं है और मरना भी नहीं है भाई, दूसरा दिन मार के दूसरा देश में जाके जो है उन तेरा के आना है। तो भाई एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और हाँ सिटी बिग न्यूज़ पर जितने भी हमारे खिलाड़ी जो तम हमने देखने लग रहे हैं जो कई बार जो है हौसला हार जाए खासतौर पर छोरी कई बार गेम छोड़ जाए, उन खातर के कुछ मैसेज देना चाहोगे? बस यही क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो फिक्स है नहीं भाई, अगर आपने आज खेलना शुरू किया है तो आपका कल ही मेडल आ जाएगा। मैंने भी बहुत परिश्रम किया है, बहुत नाकामयाबी हासिल की है, लेकिन ये लगता था एक ना एक दिन तो जरूर मंजिल मिलेगी। भाई। और भाई सिर्फ खिलाड़ी है उसके पिता से ही क्यों जो साथ में जो मौजूद व्यक्ति मौजूद हैं इनसे भी बातचीत करना। सर हरियाणा में एक टाइम होया करता खासकर छोरियां बड़ा रोकिया जाया करता खेलने दे, लेकिन जिस तरीके से मेडलों की झड़ी छोरियां लगा रखी है आपने खेला गई माहौल बदलने का टाइम आ गया?
मैडम जी खेलने खेलने से नहीं रोका जाता था। ऐसा समय था हमारे जमाने में तो पढ़ने से भी रोका जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां पढ़ाई में भी और गेम में भी एक से एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और मैं नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेटी ज्योति जांगड़ा ने जो गोल्ड मेडल लिया है, इससे हमारे जांगिड़ समाज, जिला हिसार, हरियाणा और भारत का नाम बढ़ाया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल है। बिल्कुल भाई, बात जायज है और बहुत बहुत बधाई है इस चीज़ खातर इस गुड़िया ने। जी सर, गुड़िया की कामयाबी पर कुछ आप कहना चाहोगे? ज्योति जांगड़ा को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसके परिवार को भी हम उसी तरीके से बधाई देंगे, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बगैर बच्चों का बाहर निकलना और इस कामयाबी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और हम तो लंबे समय से बॉक्सर पिंकी जांगड़ा और हमारे समाज से मनदीप जांगड़ा बड़े अच्छे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैच खेलते रहे हैं और समाज का नाम आगे बढ़ाया है, और हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि ये कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में भी अपना हाथ दिखाए और समाज और राष्ट्र का नाम ऊपर करे। लेकिन इसके लिए समाज का भी सहयोग समर्थन बहुत ज़रूरी है। अभी हमें थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली थी कि बेटी इस तरीके से आ रही है, तो हम जितने समय के अंदर प्रोग्राम कर पाए, नहीं तो हम बड़े प्रोग्राम के साथ बिटिया को हम रिसीव करते। लेकिन हौसला अफजाई होना चाहिए बालक का, छोटा प्रोग्राम में कम टाइम में छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हौसला अफजाई जो है इसे बालकों का जरूरी है। अरघर भाई, ज्योति एक गोल्ड मेडल लेके आई है हिंदुस्तान का, तर एक और गोल्ड मेडल जो है हिंदुस्तान की जोड़ी में इस छोरी ने गाल दिया है। अरघर भाई, सिलसिला जो है लगातार इस तरीके से घड़ाई जा रही है, लगातार इस तरीके से जो है सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। दिखाती रहूंगी, मिलाती रहूंगी इससे खिलाड़ियां। तो हमने बस जुड़े रही हो सिटी बिग न्यूज से। राम राम।